8 बजे के बाद नहाने वाली स्त्रियां ये वीडियो जरूर देखें। पते की उम्र को तिल तिल करके खा जाती हैं वह औरतें जो 8 बजे के बाद स्नान करती हैं। तो कहीं आप या आपके घर की स्त्रियां भी तो 8 बजे के बाद नहीं नहाती? अगर हाँ तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि जो औरतें 8 बजे के बाद नहाती हैं वह अपने परिवार के लिए कैसे दरिद्रता को खुद न्योता देती हैं। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में स्नान करने को दैनंदिन सदाचार कहा गया है। आप चाहें तो मनुस्मृति पुराण उठाकर देखिए, या विष्णु पुराण या फिर गरुड़ पुराण, सभी में 5 तरह के स्नान बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले ब्रह्म स्नान, दूसरा देव स्नान, तीसरा ऋषि स्नान, चौथा मनुष्य स्नान और पांचवा राक्षस स्नान बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त भोर में 3 बजे से 5 बजे तक माना जाता है। इस समय ब्रह्मांड की सभी शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा अपने पूरे प्रभाव के साथ वातावरण में फैली हुई होती है। इस समय स्नान करने से इष्ट देव की कृपा मिलती है और जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद जो लोग सूर्य उदय होने के बाद 5 बजे से 6 बजे के बीच किसी नदी में या फिर अपने घर में ही हर हर गंगे या किसी और नदी का नाम लेते हुए स्नान करते हैं, उसे देवों का स्नान माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके बाद जब तक आकाश में सूर्योदय नहीं होता, केवल तारे ही दिखाई देते हैं, उस समय के स्नान को ऋषि स्नान माना जाता है। और जो लोग सुबह 6 से 8 बजे के बीच में स्नान करते हैं, उसे मानव स्नान माना जाता है। साधारण मनुष्य को 8 बजे तक नहा लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग 8 बजे के बाद नहाते हैं ऐसे लोगों के स्नान को राक्षस स्नान कहते हैं। और अगर घर की स्त्रियां 8 बजे के बाद नहाने जाती हैं तो वो अपने घर में खुद दरिद्रता को न्योता देती हैं। जिस घर की औरतें 8 बजे के बाद नहाती हैं उस घर में माता लक्ष्मी भूलकर भी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि घर की स्त्रियों को रसोई घर में सुबह से ही रहना होता है। तो जो औरत बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश करती है, उसके पकाए हुए अन्न को जो भी ग्रहण करता है उसके अंदर काम, क्रोध, मद और लोभ जैसे बुरे गुण आ जाते हैं। और शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर पति के घर के बाहर जाने के बाद स्त्रियां सर धोकर नहाती हैं तो वह अपने पति की उम्र को तिल तिल करके कम कर रही होती हैं। रामायण में श्री राम ने बाली को जिस समय मारा था उस समय उसकी पत्नी स्नान कर रही थी और अपने केशों को धो रही थी। तो पति के घर से बाहर जाने के बाद अपने केश धोकर नहाने वाली स्त्रियां खुद अपने पति के लिए कलंक बन जाती हैं। स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि वह घर की लक्ष्मी है और उन्हें सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाती तो कोशिश करिए कि आप कम से कम 8 बजे तक स्नान कर ही लें, क्योंकि इसके बाद किया हुआ स्नान आपके परिवार को बर्बाद कर देता है। क्योंकि अगर स्त्री के मन में राक्षस प्रवृत्ति के भाव आ जाएंगे तो पूरा परिवार वैसा ही हो जाएगा और ऐसे परिवारों की सुख समृद्धि नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। पहले के जमाने में औरतें खुले में नहाती थी और सुबह ही बाकी लोगों के उठने से पहले नहाकर आ जाती थी और पहले 20-20 लोगों के परिवार एक कमाई से आसानी से पल जाते थे। लेकिन आज 4 लोगों के परिवार में 4 कमाने वाले हैं फिर भी खर्चे पूरे नहीं होते, क्योंकि पहले के जमाने के लोग स्त्रियों को लक्ष्मी मानते थे और वह सुबह ही साफ सुथरे कपड़े पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती थी तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल रहता था। ऐसे में माता लक्ष्मी उनके घर और परिवार पर अपनी कृपा करती थी। लेकिन आज की स्त्रियां सुबह ही 8 बजे के बाद होती है तो ऐसे में घर में माता लक्ष्मी कैसे प्रवेश कर पाएंगी? तो शिव पुराण कहता है कि घर की स्त्रियों को सुबह 8 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करने से उनके पति की उम्र बढ़ती है और वह अपने घर में बचत और बरकत दोनों का साधन बनती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और ये समझ में आया होगा कि स्त्रियों को जल्दी क्यों नहाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है, इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से आप सभी को पूरी जानकारी देने के लिए और आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।